नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बड़ी खबर है, जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट जारी होने के बाद आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेने के लिए चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को होती है और आज मंगलवार का दिन है। नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है, 14 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि न्यायिक सेवा में EWS को 10% रिजर्वेशन मिलने पर नीतीश सरकार ने मुहर लगा दी है। साथ ही साथ 14 एजेंडों पर भी मुहर लगी है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट में मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 14 एजेंडों पर और मुहर लगी है। आपको बताएं कि बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दे दी गई है। इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। EWS यानी कि हिंदी में इसको अगर समझा जाए तो आर्थिक रूप से कमज़ोर इकोनॉमिक क्लास के जो लोग होते हैं उनके लिए EWS लागू किया गया है। यह सामान्य वर्ग के लोगों के शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए बनाया गया है। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे आरक्षण देने की चर्चा EWS के तहत की थी और EWS के तहत में ये चर्चाएं तेज हुई थी। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना के रिपोर्ट जारी होने के बाद आज कैबिनेट के बैठक में एक बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में EWS के तहत 10% आरक्षण की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि जो 14 और फैसले जो कैबिनेट में लिए गए हैं उसमें वीडियो को जबरन सेवानिवृत्ति यानी कि नरकटियागंज वीडियो राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई है। पद का दुरुपयोग कर रहे थे और भ्रष्टाचार के मामले में जबरन रिटायरमेंट इनकी दी गई है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। दूसरा है कि प्रिंसिपल का पावर बढ़ाया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवन मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्रचार की शक्ति में इजाफा किया गया, इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। साथ ही साथ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 16 पदों का सृजन, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रयोगशाला तकनीकी की नियुक्ति की जाएगी। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीक सवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पदों पर सृजन किए गए हैं, उसके लिए कैबिनेट ने मुहर लगाई है। अब अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पटना में ये जो साइंस सेंटर बन रहा है इसके लिए 6 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति कहीं ना कहीं मिलती हुई दिख रही है। तो नीतीश कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में EWS को 10% का आरक्षण और साथ ही साथ जो 14 और एजेंडे हैं इन पर मुख्य रूप से कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुका है। कल जातिगत जनगणना के जो रिपोर्ट आए थे सामने उसके बाद से चर्चाएं चल रही थी कि क्या EWS जो स्वर्ण समाज के लोग होते हैं, EWS से आने वाले जो लोग होते हैं उनके आरक्षण में क्या वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का ये एक बड़ा फैसला है कैबिनेट में आज, और तमाम जो चीज़ें होंगी उस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।